नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक विचार पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस के लिए एक राष्ट्रीय एक वर्दी का विचार है और उनकी तरफ से एकमात्र ही ये विचार है और वह इसे किसी भी राज्य को थोपने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस बयान के बाद कोई इस बयान की सराहना कर रहा है तो कोई इसे गलत ठहरा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव ने जनता के बीच जाकर जनता से बातचीत की कि आखिर मोदी जी की बात से जनता क्या सोचती है, तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं अभिषेक शर्मा करण, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ के। अभिषेक जी, मोदी जी ने कहा है कि सभी राज्यों की पुलिस का एक ड्रेस होना चाहिए देश में। देखिए, मोदी जी की सारी पहलों का, जितने भी वो पहल करते हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में होते हैं। ये देश एक है, यहाँ एक विधान एक होना चाहिए, कानून है ना एक होना चाहिए, संविधान एक होना चाहिए। हम तो मोदी जी के सारे पहलों का समर्थन करते हैं, जो भी वो करते हैं वो राष्ट्र हित में करते हैं। ये देश एक है, कानून भी एक होना चाहिए। और रही सिविल जो प्रशासन की ड्रेस की बात, तो जैसे पश्चिम बंगाल का ही आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में परिस्थितियाँ ये है कि वहाँ के सिविल पुलिस का ड्रेस सफ़ेद है, वाइट है, जैसे लगता है कि यहाँ के ट्रैफिक पुलिस है। कोई आम जो दूसरे राज्य से किसी और राज्य में जाए तो उनको लगेगा ये ट्रैफिक पुलिस है। ये एक देश एक है, जैसे आर्मी का ड्रेस एक है, आपके पीएससी का ड्रेस एक है, ठीक ना, आरपीएफ का ड्रेस एक है, उसी तरह इस देश में सिविल पुलिस का भी ड्रेस एक ही होना चाहिए। और यही नहीं, ये देश है हमारा, भारतवर्ष है, यहाँ हर प्रकार के कानूनों का सबके ऊपर एक तरह से जो प्रयोग होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी विशेष जाति धर्म और संप्रदाय, किसी विशेष राज्य को देखते हुए वहाँ के नियमों को, नहीं, ये नहीं चलेगा। अब ये चल चुका पिछले 70 साल, एक देश एक विधान एक संविधान एक कानून। नहीं, फैसला एकदम न्यायोचित और बहुत अच्छा है। हम कह रहे हैं जब भारत एक देश है, हम सारे के सारे भारतवासी हैं, कानून एक है, सारी चीज़ें एक है, सबके लिए संविधान में दर्जा भी एक समान प्राप्त है, तो अगर ड्रेस बदला जाता है और सबके लिए एक ड्रेस है, इसमें किस बात की बुराई है, इसमें कहाँ बुराई आ गई। हम कह रहे हैं ड्रेस हो एक है, जिसे आज हमारे यहाँ अभी हमारे पुलिस के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहता है, तो ऐसे जिस स्थान के वो जो सिपाही या जो भी अधिकारी या जो भी होंगे, उस स्थान का नाम भी तो लिखा रहेगा। ड्रेस के बदलने से कोई खास वो नहीं है और अच्छी बात है कि अगर एक ड्रेस में सबका हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष लगातार इस पर तंज कस रहा है, पीएम को लेकर के कह रहा है उनका कोई नया फार्मूला है चुनाव जीतने का। भाई देखिए, ऐसा है, ये तो विपक्ष बड़ी अच्छी बात कह रहा है, कम से कम इसी बहाने उस फार्मूले में से कुछ फार्मूला विपक्ष को भी तो निकाल लेना चाहिए ना, कि वो भी आगे बढ़ जाए। अरे मोदी जी के इतने फार्मूले बता रहे हैं, इतने सब कुछ बता रहे हैं, तो उसमें से अगर कुछ सीख ले, ठीक उसी प्रकार सीखे जैसे चंदन का जो वृक्ष होता है उस पर हमेशा सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वो सर्प चंदन की खुशबू का आनंद लेने के लिए उससे लिपटे रहते हैं, लेकिन उनके लिपटने से चंदन की खुशबू में कोई कमी नहीं आती। हमारे यहाँ लिखा हुआ है रहीम जी ने कि जो रहीम उत्तन प्रवृत्ति का करी सकत कुसंग, और चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। तो उस प्रकार ये लोग सीखें, मोदी जी का मुद्दा सीखें या जो भी सगुफा इनको नज़र आता है, सीख के ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं बजाय उनको घेरने के। मैं इनसे यही प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा और साथ साथ इनसे कहूंगा भी कि उसी का पालन करें। बिल्कुल अच्छी और बहुत न्यायपूर्ण बात कही है, और देश में एक कानून, एक सिविल कोड जो कानून ला रहे हैं उसको भी पारित किया जाना चाहिए, उसको लागू किया ना जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सिविल पुलिस है वो चाहे कहीं की भी हो, कार्य एक ही है। अगर एक ड्रेस रहेगा तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि ये यूपी की है, बिहार की है। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले जब महाराष्ट्र बॉम्बे में उसका एक कांड हुआ था, एक हीरो जो मर गया था, क्या नाम था, सुशांत सिन्हा जी का, बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी गए हुए थे, उनको जांच करने से रोका गया था, जो कि समकक्ष अधिकारी थे जिन्होंने रोक दिया था। तो ये ठीक बात नहीं है, जो हमारे देश का कानून है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए, ड्रेस भी एक समान होना चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी सिर्फ एक विचार है,
मैं यहाँ आप सभी लोगों पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा, इसके बारे में आप सभी सोचिए। यहाँ 5, 50 या 100 सालों में भी हो सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। पीएम ने कहा कि उनका मानना है कि देश भर में पुलिस की पहचान एक जैसी हो सकती है, तो पीएम के साथ साथ लोग भी इस बात पर उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।